हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज हम आपके साथ जो बात कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, ये आपके मंथली राशिफल जो कि नवंबर 2022 का है उसके विषय में बात कर रहे हैं। और विशेष रूप से जो अभी चर्चा होगी आपके साथ वो होगी तुला लग्न राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि लिब्रा असेंडेंट बेस जातक। अब क्योंकि ये लग्न राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर तो आधारित है नहीं, तो जो तुला लग्न राशि के जातक हैं वो इस चर्चा को ध्यानपूर्वक सुन सकते हैं। और हम बताएंगे कि नवंबर में जो ग्रहों की स्थिति रहने वाली है गोचर में जिस प्रकार की, उसी के आधार पर जो भी अच्छे और बुरे परिणामों की प्राप्ति आपको होने वाली है अलग अलग क्षेत्रों में, उसी की चर्चा हम आपसे करेंगे कि किन प्रकार के किस किस प्रकार के रिजल्ट्स की संभावना बन रही है आपको नवंबर 2022 में जो मिलने जा रहे हैं। अगर कहीं नकारात्मक रिजल्ट्स की भी बात अगर हमारे द्वारा की जाती है किसी क्षेत्र में, तो आपको निराश नहीं होना है साथियों, परेशान नहीं होना है कि भाई ये तो ऐसे रिजल्ट्स आएंगे कैसे होगा। देखिए, अंत में हम राशिफल के आपको बहुत ही सरल, आसान और सटीक रेमेडीज देंगे, उपाय देंगे। यदि आप उन उपायों को करते हैं पूरी श्रद्धा के साथ, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं आपसे ये बात कि आपको जो वो निगेटिव रिजल्ट्स की भी कहीं अगर बात होती है या होगी, वो भी उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। करना आपको है और बहुत आसान उपाय है, कोई दिक्कत तकलीफ भी नहीं होगी। तो आइए आपसे चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सबसे पहले ग्रह गोचर की स्थिति की, कि भाई ग्रहों की स्थिति जो रहने वाली है नवंबर के महीने में, कौन से ग्रह किस राशि में रहेंगे, कब अपना राशि परिवर्तन करेंगे, कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेगा, किस ग्रह के साथ संबंध बनाएगा, ये सारी चीज़ें संक्षेप में हम आपसे बताएंगे। और वैसे तो चार्ट भी हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं तुला लग्न राशि के जातकों का, उसमें भी जो ग्रह स्थिति दर्शाई गई है उसी को लेकर के हम आपसे चर्चा कर रहे वाले हैं। तो देखिए, जहाँ पर तुला लग्न राशि के जातकों से कहना चाहते हैं कि जहाँ पर सात नंबर लिखा हुआ है चार्ट में, ये तुला राशि कहलाती है सात नंबर, और तुला राशि के लॉर्ड जो हैं वो शुक्र हैं, और शुक्र भी अपनी ही तुला राशि में बैठे हुए हैं, और ये लगन भाव कहलाता है जहाँ सात नंबर लिखा है, फर्स्ट हाउस। यहाँ पर एक साथ चार ग्रह आप देख रहे हैं, सूर्य, बुध, शुक्र और केतु। यहाँ सूर्य की स्थिति बहुत खराब कह सकते हैं या कमज़ोर कह सकते हैं, जो पिछले कुछ दिनों से चल रही है, उसका जो निगेटिव रिजल्ट्स है या निगेटिव इम्पैक्ट है वो भी आपकी लाइफ पर निश्चित रूप से पड़ रहा है। तो देखिए, अब ये जो चार ग्रह एक साथ बैठे हैं, इन्होंने संबंध अपना बनाया हुआ है, सूर्य के कारण शुक्र और बुध की स्थिति भी यहाँ काफ़ी कमज़ोर हो गई है। हालांकि बुध, शुक्र और केतु आपस में एक दूसरे के मित्र हैं, और सूर्य जो हैं वो शुक्र और केतु के शत्रु हैं, और बुध के साथ उनका ना तो मित्रता है ना शत्रुता है, लेकिन बुध जो है उनको अपना मित्र मानते हैं। तो प्रिय साथियों, अब इनमें से ये चार ग्रहों में से तीन ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले तो यहाँ से निकलेंगे शुक्र अपनी राशि तुला से, और ये जाएंगे वृश्चिक राशि में। तीनों ग्रह वृश्चिक राशि में जाएंगे, सूर्य भी, बुध भी और शुक्र भी। सबसे पहले शुक्र जाएंगे वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि कहाँ है? जहाँ पर आठ नंबर आप लिखा देख रहे हैं, सेकंड हाउस, द्वितीय भाव। और वृश्चिक राशि के लॉर्ड जो हैं वो मंगल हैं, तो मंगल के घर में शुक्र जाएंगे 11 नवंबर को अस्त अवस्था में और मार्गी अवस्था में। अभी वो अस्त अवस्था में चल रहे हैं, मार्गी में चल रहे हैं, और ये फिर जाएंगे 11 नवंबर को वृश्चिक राशि में, और माह के अंत तक वहीं रहेंगे, लेकिन 25 तारीख को ये उदय हो जाएंगे 25 नवंबर को। इसी प्रकार बुध भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे 13 नवंबर को, और यहाँ अपनी मित्र राशि तुला से निकल करके वे भी वृश्चिक राशि में जाएंगे अपनी समराशि में, और माह के अंत तक वो बने रहेंगे, लेकिन वो भी अस्त और मार्गी अवस्था में ही हैं शुक्र की तरह। इसके बाद 16 नवंबर को सूर्यदेव भी अपनी नीच राशि से निकल रहे हैं। ये बड़ी अच्छी खबर है आपके लिए कि सूर्यदेव जो हैं वो भी अपनी नीच राशि से निकल करके 16 नवंबर को अपनी मित्र के घर में जा रहे हैं मंगल के, और माह के अंत तक फिर वो वहीं रहेंगे वृश्चिक राशि में। तो इस प्रकार सूर्य, बुध, शुक्र तीन ग्रह जो हैं वो 11, 13 और 16 नवंबर को अपना राशि परिवर्तन करते हुए वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, सेकेंड हाउस में, द्वितीय भाव में, और वहाँ पर वो उनका आपस में एक दूसरे के साथ संबंध बनेगा, जो कि एक अच्छा राजयोग भी कहा जा सकता है, और सूर्य की स्थिति में निश्चित रूप से सुधार भी है 16 नवंबर से। उसके भी कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको जरूर मिलेंगे, देखने में आएंगे। तो साथियों, उसकी भी हम चर्चा इस
चर्चा के दौरान आपसे करेंगे, बताएंगे। और आगे बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव जो हैं, जहाँ पर 10 नंबर लिखा है वहाँ पर विराजमान है, ये चतुर्थ भाव है, फोर्थ हाउस। और 10 नंबर का मतलब मकर राशि, मकर राशि के लॉर्ड जो हैं वो शनिदेव हैं। तो शनि अपनी राशि अपने ही घर में चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, बड़ी मजबूत पोजिशन में, मार्गी और उदय अवस्था में, और ये पूरे महीने इसी प्रकार रहेंगे। आगे बात करेंगे गुरु बृहस्पति की। तो गुरु बृहस्पति जो हैं वो जहाँ पर 12 नंबर लिखा है वहाँ पर बैठे हैं, ये छठा भाव कहलाता है, षष्ठ भाव यानी कि सिक्स हाउस। और ये 12 नंबर का मतलब मीन राशि, मीन राशि के लॉर्ड स्वयं बृहस्पति हैं, गुरु बृहस्पति, और वो अपनी राशि अपने घर में बैठे हुए हैं छठे भाव में, और ये पूरे महीने इसी प्रकार बैठे रहेंगे। लेकिन क्या है कि ये उल्टी चाल इनकी चल रही है, ये उल्टी चाल चल रहे हैं, वक्री स्थिति में है, वक्री और उदय अवस्था में है ये। लेकिन 23 नवंबर को ये मार्गी हो जाएंगे, यानी कि सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे। 23 तारीख से इनकी भी स्थिति अच्छी हो जाएगी। आगे बात करेंगे राहु की। राहु जहाँ पर एक नंबर लिखा देख रहे हैं आप वहाँ पर बैठे हुए हैं, और एक नंबर का मतलब मेष राशि, मेष राशि के लॉर्ड मंगल हैं और मंगल राहु के शत्रु हैं। तो राहु अपनी शत्रु राशि मेष में बैठे हैं और इसी प्रकार बने रहेंगे पूरे माह नवंबर में, इसी राशि इसी घर में सप्तम भाव में, सेवेंथ हाउस में। बात कर लेते हैं मंगल की। मंगल जहाँ पर 3 नंबर लिखा देख रहे हैं वहाँ पर बैठे हैं, 3 नंबर होती है मिथुन राशि, मिथुन राशि के लॉर्ड बुध हैं, और बुध को मंगल अपना शत्रु मानते हैं, तो मंगल कह सकते हैं कि अपनी शत्रु राशि मिथुन में बैठे हुए हैं नवम भाव यानी कि नाइन्थ हाउस में। लेकिन ये अभी वक्री स्थिति में है और पूरे महीने ही वक्री स्थिति में रहेंगे, उल्टी चाल, साथ ही ये उदय भी है, अस्त नहीं है। लेकिन 13 नवंबर को ये भी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से निकल करके मिथुन राशि से, और ये कहाँ जाएंगे, क्योंकि उल्टी चाल चल रहे हैं तो फिर पीछे ही आएंगे, और पीछे जब आएंगे तो ये आएंगे वृषभ राशि, जहाँ पर 2 नंबर लिखा है। 2 नंबर वृषभ राशि होती है, टॉरस साइन, उसमें इनकी एंट्री होगी 13 नवंबर को वक्री और उदय अवस्था में, यानी कि उल्टी चाल चलते हुए, और फिर ये पूरे माह इसी राशि में बने रहेंगे, इसी घर में बने रहेंगे जो कि अष्टम भाव है। और केतु की बात और कर लेते हैं। केतु को जहाँ पर आप देख रहे हैं 7 नंबर जहाँ लिखा है बैठे हुए, ये पूरे महीने इसी घर में इसी राशि में बने रहेंगे अपनी मित्र राशि में। तो ये थी वो स्थिति जो नवंबर 2022 में रहने वाली है, और इन्हीं ग्रहों की स्थिति के आधार पर आप तुला लग्न राशि के जातकों को अच्छे बुरे प्रभावों का सामना करना पड़ेगा। तो किस प्रकार के प्रभाव रहेंगे अलग अलग क्षेत्रों में, इसी की चर्चा आपसे करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके प्रोफेशन करियर को लेकर, कि आपका नवंबर 2022 में प्रोफेशन करियर कैसा रहने वाला है। साथियों बता दें कि संघर्ष की स्थिति आपके सामने बनी हुई है, यूं तो ये तो बनी रहेगी, इसमें तो कोई कमी नहीं आएगी, मैं आपको यही कहना चाहता हूं। बीच बीच में कुछ अच्छे हालात बन गए, कुछ कभी थोड़ा सा टेंशन वाला माहौल हो गया, ये उतार चढ़ाव वाला समय चलता रहेगा और संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी पूरे महीने। संघर्ष करके ही आप आगे बढ़ पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं, अभी तो देखिए आपके 1 नवंबर से और 16 नवंबर तक का जो समय है, इसमें आपके मान सम्मान में भी कमी है, जिसका अनुभव आपको हो भी रहा होगा। लेकिन 16 नवंबर के बाद से लेकर माह के अंत तक आपके मान सम्मान में जो कमी आप महसूस कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसमें सुधार होगा, अच्छा सुधार देखने को आएगा, और आपका व्यवहार में भी बदलाव आएगा। व्यवहार तो अभी भी आपका मिला जुला है, कभी कभी चीज़ों को देखते हैं कुछ ज़्यादा ही, जब चीज़ें सर से पानी ऊपर निकल जाता है तो ज़रा कह सकते हैं कि आपको थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं। वैसे तो अभी भी आप मिला जुला स्वभाव है, ऐसा नहीं है कि आप बहुत एग्रेसिव ही रहते हैं या बहुत, लेकिन फिर भी डिस्टर्बेंस तो है ही दिमाग में, चीज़ों को जो देख करके जो विषम परिस्थितियाँ हैं उनको, जो आपकी ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो आपके अगेंस्ट हैं उन सब। लेकिन निश्चित रूप से 16 तारीख के बाद आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी, और आपका जो कार्यस्थल है, चाहे व्यापार करते हैं या रोजगार करते हैं, निश्चित रूप से उसमें भी कहीं ना कहीं आपको सुधार दिखाई देगा। हालांकि आपको कहीं ना कहीं एहसास तो ये भी होगा कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ और सब कुछ कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी चीज़ें मेरे मुताबिक नहीं हो पा रही हैं, ये तो चीज़ आपके पूरे महीने दिमाग में चलने वाली है, और इस चीज़ का आपको एहसास भी होगा, अनुभव भी होगा, आप देखेंगे कि ऐसा हो रहा है जैसा अभी भी हो रहा है। बस यही है कि मध्य के बाद माह के थोड़ा इम्प्रूवमेंट आपको मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर हम ये कहें कि भाई
इनकम को लेकर के और आपकी सुख सुविधाओं को लेकर के ये महीना कैसा रहने वाला है, तो मैं यहाँ पर आपको यही बताना चाहता हूँ प्रिय साथियों कि 16 नवंबर से लेकर के और माह के अंत के बीच का जो भी ये अवधि है, ड्यूरेशन है, इसमें आपकी धन की स्थिति, धन का आगमन बहुत अच्छा रहेगा। बेशक चाहे आपके लिए चैलेंजेज रहें कार्यस्थल में, बेशक चाहे आपको संघर्ष की स्थिति से जूझना पड़ जाए, सब कुछ होगा, लेकिन पैसे की स्थिति में बहुत अच्छा सुधार आपको देखने को मिलेगा 16 नवंबर ऑनवर्ड्स। और पैसे की स्थिति ऐसी रहेगी कि आपको अपने हाथ में, अपनी मुट्ठी में पैसा दिखाई देगा। और इतना ही नहीं, आप कहीं अच्छी जगह अपना पैसा इन्वेस्ट भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, उसकी भी अच्छी रिटर्न आपको मिल पाएगी। बहुत अच्छी स्थिति में सूर्य आ जाएंगे और जब वो आ जाएंगे तो धन के हालात आपके बेहतर करेंगे। अभी तो आपको सभी तरफ से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन 16 तारीख के बाद चेंजेज जल्दी जल्दी आपको देखने को मिलेंगे, जो काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ओर होंगे और उससे आपको उन सब चीज़ों को देख करके काफ़ी राहत और सुकून मिलेगा। इसी के साथ साथ अब बात कर लेते हैं आपके मित्रों की भी, मित्रों का भी अच्छा सहयोग मिलेगा 16 नवंबर के बाद, बड़े भाई बहनों का भी आशीर्वाद और सहयोग आपको प्राप्त होगा। अब बात कर लेते हैं आपके साथ प्रेम संबंधों की कि प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि प्रेम संबंध जो हैं आपके बहुत अच्छे प्रोग्रेसिव रहेंगे। कब रहेंगे? 16 नवंबर के बाद से लेके माह के अंत के बीच के जो समय होगा ये, इसमें तो हर तरफ से आपके लिए इम्प्रूवमेंट ही इम्प्रूवमेंट है, पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। महामध्य से माह के अंत के तक जो है ये जो 15-16 दिन का जो समय होगा, इसमें तुला लग्न राशि के जातकों को लगभग हर क्षेत्र में अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति होने जा रही है। चाहे आपका कार्य क्षेत्र हो, चाहे आपका इनकम का मामला हो, चाहे आपके परिवार, वो हम आपको अलग अलग भी बता रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। और वैवाहिक संबंध, देखिए वैवाहिक संबंधों में अभी जो स्थिति है, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा तनाव हो जाता है आपके बीच में, ज़्यादा ही टेंशन हो जाती है, फिर चीज़ें नॉर्मल भी होती हैं, इस तरीके का चल रहा है, काफ़ी उतार चढ़ाव हैं वैवाहिक जीवन में, लेकिन ये उतार चढ़ाव तो बने रहेंगे, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा हैं। 16 नवंबर के बाद से स्थिति, मतलब कोई बहुत अधिक सुधार तो नहीं दिखाई दे रहा है नवंबर में, लेकिन हाँ 16 के बाद फिर भी काफ़ी सुधार होगा। जो आज के हालात हैं, अभी जो आप एक नवंबर से लेकर 16 नवंबर के बीच के जो हालात हैं, उनमें निश्चित रूप से सुधार होगा महामध्य के उपरांत आपके वैवाहिक जीवन में। बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। देखिए पारिवारिक जीवन की बात यह है कि साथियों, 13 नवंबर के बाद ड्रामेटिकली चेंज आएगा आपके पारिवारिक संबंधों में। जो अभी तनाव चल रहा है 1 नवंबर से लेकर 13 नवंबर के बीच में, हालात अच्छे नहीं हैं, संबंध अच्छे नहीं हैं आपके अपने परिवार वालों के साथ, किसी ना किसी बात को लेकर के विवाद है, प्रॉपर्टी आदि को लेकर के भी समस्याएं हैं, बनेंगी अगर नहीं है तो 1 नवंबर से लेकर 13 नवंबर के बीच। लेकिन 13 नवंबर के बाद से और माह के अंत का जो बीच का समय है, सारी प्रॉब्लम आपकी जो है वो सॉर्ट आउट होंगी, सॉल्व हो जाएंगी और रिलेशन भी आपके इम्प्रूव करेंगे अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ 13 नवंबर के बाद। आगे बात करते हैं छात्रों की, शिक्षा को लेकर के, शिक्षा कैसी रहेगी। साथियों, आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक आपकी शिक्षा का प्रश्न है, शिक्षा भी आपकी अच्छी रहेगी, थोड़ा सा आपको उसमें मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन रिजल्ट्स आपके अच्छे आएंगे। रिजल्ट्स बस ये है कि मेहनत करते रहेंगे तो रिजल्ट्स आपके सामने अच्छे आते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई मेहनत भी कर रहे हैं रिजल्ट्स फिर भी नहीं मिल रहे। यहाँ पर यह है कि अगर थोड़ी भी हालांकि यहाँ पर मेहनत करने में भी थोड़ा सा आपको परेशानी तो ज़रूर होगी, कई बार आपका दिल नहीं करेगा, कभी ऐसा होगा कि मूड नहीं है, कभी कुछ और होगा, कभी पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, कभी पढ़ते पढ़ते ध्यान कहीं और चला गया, ये सब चीज़ें रहेंगी। आपको कंसंट्रेट करना ही है, अगर आपने कंसंट्रेट कर लिया अपनी एजुकेशन पे तो परिणाम आपके हाथ में है, बस ये मान के चलिए। तुला लग्न राशि के जातकों के स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। आगे बात कर लेते हैं संतान की, तो माता पिता को हम बताना चाहते हैं कि संतान से आप इतना ही समझाएं और अधिक कुछ नहीं, प्रेशराइज ना करें, सिर्फ इतना ही समझाएं कि बेटे अगर परिश्रम करोगे तो रिजल्ट्स आपको मिलने ही वाले हैं, और ऐसी ही स्थिति ग्रहों के द्वारा बनी हुई है। स्वास्थ्य की बात अगर कर लें, देखिए स्वास्थ्य आपका तुला लग्न राशि के जो जातक हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पेट से संबंधित वायु विकार, इनडाइजेशन, ये समस्या आपके लिए पहले से चल रही है और इस महीने भी इसकी अच्छी खासी संभावना बनी हुई है।
तो खान पीन पर ध्यान दें, अपना रूटीन बनाएं खान पीन का, डे टू डे की जो लाइफ है वो होच पोच ना हो, गड़बड़ ना हो, डिस्टर्ब ना हो, उस सिस्टम के साथ चलें, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण रूप से आपका जो है वो पेट से संबंधित विकार, वायु विकार, ये वो सब चीज़ों का इशारा मिल रहा है ग्रहों की ओर से। अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो आपके लिए परेशानी बन सकती है अधिक। तो ये था मेरे मित्रों आप तुला लग्न राशि के जातकों का नवंबर 2022 का राशिफल। अब आपको बताने जा रहे हैं वो सरल और आसान सटीक रेमेडीज उपाय के उनके करने पर जो थोड़ी बहुत परेशानियां हमने बताई हुई हैं अलग अलग क्षेत्रों में वो भी दूर हो जाएंगी। सबसे पहले तो सूर्यदेव को जल बिल्कुल देना ना भूलें, प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के अपनी हैबिट बना लें, सूर्यदेव को जल जरूर दें, तांबे के कलश से दें, एक चुट्टी उसमें कुमकुम रोली जो भी आप बोलते हैं वो डालें, तब आप ऐसा करें। और वहीं खड़े खड़े 108 बार सूर्यदेव के मंत्र का उच्चारण भी करें, ओम घृणी सूर्याय नमः, ये लघु मंत्र है सूर्यदेव का। इसके बाद आपने जो करना है असली जो काम करना है, अगर आप चाहते हैं कि भाग्य का सपोर्ट आपको मिले, जो मेहनत आप कर रहे हैं उसके उतने ही उत्तम रिजल्ट्स परिणाम आपको प्राप्त हो, तो फिर आपको बुध वाला कार्य करना पड़ेगा। आपको ये करना पड़ेगा, एक तो बुधवार के दिन गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं, अपने हाथों से खिलाएं, ये नहीं है किसी दूसरे को बोल दिया भाई तुम खरीद के खिला देना, वो नहीं लगने वाला, आपको ही अपने हाथों से गाय की सेवा करनी है, हरा चारा खिलाना है बुधवार के दिन। और अगर रोज कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात, इससे अच्छी कुछ बात हो ही नहीं सकती। साथ ही भगवान विष्णु जी की पूजा जरूर कीजिएगा, चाहे तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लें, चाहे विष्णु भगवान जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं आप, ये कर लीजिए अगर आप चाहते हैं आपका भाग्य का सपोर्ट आपको मिले, तो ये रेगुलर पूजा आप करें। दूसरा और तीस मतलब अंतिम उपाय, इसके आगे तीसरा उपाय शुक्र का करना है आपको, और शुक्रदेव के लिए आपको ये करना है। देखिए यूँ तो जब शुक्रदेव माह 11 तारीख के बाद से बुजुर्गों का भी आपको आशीर्वाद मिलेगा, शुक्र दिलवाएंगे, लेकिन अगर कहीं आपने गौ माता की सेवा करी और गौ माता को देसी घी की रोटी, आपने देसी घी लगा करके वो रोटी और कुछ नहीं रोटी खिलाएं और उस पर कुछ सफ़ेद चीनी वगैरह रख दें, देखिए आप फिर घर के अंदर आपके बुजुर्ग भी आपकी बात जो नहीं मानते थे वो भी मानेंगे। और इसके अतिरिक्त क्या होगा कि आपका जो अपना एक व्यक्तित्व है वो काफ़ी आकर्षक होगा, लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, आपकी बात को सुनना पसंद करेंगे, सुनेंगे और आपको फॉलो करेंगे, ये होगा शुक्र के इस उपाय को करने का लाभ आपको मिलेगा। तो मेरे प्रिय साथियों, ये थी तुला लग्न राशि के जातकों की मंथली राशिफल नवंबर 2022। अगर आपको ये पसंद आया है राशिफल तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकेंगे जानकारी का। और यदि आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे बनते हैं उन सभी की नोटिफिकेशन सर्वे सारे वीडियोस सीधे समय रहते आप तक पहुंच पाएं, तो फिर जो बेल आइकन आप देख रहे हैं वो जरूर पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, जय माता दी।